हेलो स्टूडेंट्स तो कैसे हैं आप सब वेलकम टू फाइक क्लासेस जैसा कि आप देख पा रहे हैं आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये लेक्चर ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास इलेवेंथ में या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बस वीडियो में एंड तक बने रहें जीरो से आपको हीरो बना देंगे साथ ही साथ नोट्स कॉपी करते रहें आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने कवर किया था वर्क एनर्जी थ्योरम और पोटेंशियल एनर्जी उन दोनों का ही यूज़ यहाँ पे थोड़ा सा लगेगा भैया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ज्यादा काम नहीं आती है भैया सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है वर्क एनर्जी थ्योरम जहाँ से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन आएगी अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है इसका मतलब क्या है भाई कंजर्वेशन का ही मतलब क्या है एनर्जी कंजर्व रहेगी अच्छा क्या कहती है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ठीक है एनर्जी को ना ही मारा जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है सिर्फ उसका क्या किया जा सकता है उसके फॉर्म को चेंज किया जा सकता है मतलब उसके एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे आपके पास इस समय मार्कर है मार्कर को देखिए ये इसके पास कुछ क्या है ग्राउंड से कुछ हाइट होगी इसके पास अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है जीरो है समझ रहे हो इसके पास क्या होगी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अब मैं इसको छोड़ दूँ तो क्या होगा जैसे ये ग्राउंड पर गिरेगा गिरेगा तो उसके पास विलॉसिटी आएगी फाइनल विलॉसिटी और उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी ग्राउंड को टच करते समय ठीक है तो हुआ क्या जब आपके पास इसके पास क्या थी पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही आपने छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में तो यही कह रहा है कि एनर्जी क्रिएट नहीं की जा सकती ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो गया देखिए पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक में आ गई जैसे आपने कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी बल्ब को तो क्या करेगा वो लाइट करेगा लाइट एनर्जी बना देगा तो इलेक्ट्रिकल से क्या बन गई लाइट एनर्जी तो फॉर्म चेंज हो रहा है एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो सोच रहे हो क्या सोचते हो कि एनर्जी गई कहां ऐसा नहीं होता है सिर्फ फॉर्म चेंज हो रहा है तो आइए समझते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी को समझना है तो हमें वर्क एनर्जी थ्योरम समझना होगा वो वहीं से आएगा तो क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम वो कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस क्या कहता है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो लिखिए जल्दी से वर्क डन वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा के ई लिख लेते हैं समझ रहे हो समझ गए ये कह लो काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या प्रोड्यूस करेगा सारे वर्क का सम <laughs> मजा आया कि नहीं आया बोलो बोलो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस किसके बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अब आपने कई तरह के फोर्स पड़ेंगे कंजर्वेटिव फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्सटर्नल फोर्स तो इन सारे फोर्सेस से जो वर्क डन होगा सबको ऐड कर दो किसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है तो सारे फोर्सेस का वर्क डन ऐड कर देते हैं तो कहोगे बोलो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ठीक प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ठीक है क्लियर ये सारे फोर्सेस को ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे अच्छा किसके बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल बोलिए बेटा ठीक है वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस कौन कहता है ये कौन कहता है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं कहता सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं कहता ये कौन कहता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है क्या कहती है बोलिए कौन कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम बोलिए बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम ठीक समझ गए अच्छा अगर आपको कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है तो क्या लगाना पड़ेगा समझिए ये जो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है बेटा ये कंजर्वेशन ऑफ जो मैकेनिकल एनर्जी है ये कब वैलिड होगी पहले ये समझिए इट इज ऑनली वैलिड कब वैलिड है बोलिए इट इज वैलिड फॉर वैलिड फॉर किसके लिए ओनली वैलिड फॉर फोर्सेज वो भी कौन सी फोर्सेज वैलिड फॉर फोर्सेज कौन से फोर्सेज सॉरी कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन से फोर्सेज कंजर्व टिव फोर्स होगा जो बोलिए ओनली वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स अच्छा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जैसे जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स समझ गए समझ गए और स्प्रिंग फोर्स अगर ऐसा फोर्सेज है भाई ये पता होगा ना कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स ठीक है अगर ये फोर्सेज है तभी ये वैलिड होगा इसके अलावा कोई भी फोर्स हुआ इसके अलावा कोई भी फोर्स हुआ तो उसका वर्धन जीरो है भैया इसके हिसाब से मतलब समझ रहे हो ओनली वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स बोलिए समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं बोलिए बेटा वैलिड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स जैसे कि बोलिए ग्रेविटेशनल फोर्स और स्प्रिंग फोर्स ठीक है मतलब भाई कंजर्वेटिव फोर्स तो समझ के कौन है ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स ठीक है जैसे फ्रिक्शनल फोर्स विस्कस फोर्स समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बोलिए अगर आपको फ्रिक्शन फोर्स से डन मिल रहा है तो नहीं भैया हो सकता कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल जी नहीं लग सकती है. मतलब इसका कहने का ये है सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को ही ध्यान रखना है वही होना चाहिए और बाकी सब जीरो होने चाहिए क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए ये भी जीरो होना चाहिए बोलिए हाँ या ना समझ रहे हैं बोलिए कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कब लगेगी जब वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो हो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो एक्सटर्नल फोर्स से वर्डन मतलब समझ रहे हो किसी को खींच रहे हो आप एक्सटर्नली फोर्स से तो उसका वर्डन जीरो होना चाहिए वो फोर्स नहीं होना चाहिए सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ठीक है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी जीरो होना चाहिए मतलब फ्रिक्शनल फोर्स के द्वारा वर्डन जीरो होना चाहिए क्लियर कि नहीं क्लियर समझ गए हाँ बोलिए समझ गए क्लियर मतलब ये है कहने का कि भाई सिर्फ और सिर्फ वर्गडन हमें किसका रखना है कंजर्वेटिव फोर्स का जैसे स्प्रिंग फोर्स हो उसका रखेंगे वर्क डन ग्रेविटेशनल फोर्स उसका वर्क डन रखेंगे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स हैं ठीक है बेटा हम समझ गए ठीक अब यहाँ से ये जीरो हो गए तो क्या कह सकते हो बोलो क्या कह सकते हो बोलो के एफ़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर इस डब्ल्यू सी को डब्ल्यू सी को उधर भेज दें डब्ल्यू सी को उधर भेज दें बोलिए तो ये माइनस डब्ल्यू सी हो जाएगा मतलब कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है वर्क डन बाय ठीक है अब इधर क्या बता इधर तो जीरो बचा ठीक है क्लियर अच्छा अब यहाँ से आपने पढ़ा होगा बचपन में बचपन में पढ़ा था आपने क्या पढ़ा था जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था क्या कहा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स समझ गए प्रीवियस लेक्चर में ही पढ़ाया था अब मैं क्या करूंगा माइनस डब्ल्यू सी याद रखिएगा माइनस डब्ल्यू सी की जगह क्या रख दूंगा के यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ख़त्म बात बोलिए क्या करूंगा के फाइनल माइनस के इनिशियल हो गया माइनस डब्ल्यू सी की जगह क्या कर दूंगा यू फाइनल माइनस बोलिए यू फाइनल माइनस यू इनिशियल समझ गए ठीक है इज इज्क टू जीरो ठीक अब क्या करेंगे इसको थोड़ा अरेंज करेंगे कैसे भाई ये जो माइनस के आई है और ये माइनस यू आई है इन दोनों को इधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएंगे तो क्या कहोगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब जो ये इक्वेशन आई है ये इक्वेशन जो आई है ये है भैया कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी की इक्वेशन और जो सिर्फ और सिर्फ कब वैलिड होगी वैलिड होगी जब तक आपके पास कौन सा वर्डन है सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा वर्डन समझ गए अगर अगर आपके पास सिस्टम में फ्रिक्शनल फोर्स हुआ ठीक है या एक्सटर्नल फोर्स हुआ तब यह वैलिड नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा ठीक है क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स हो मैगनी जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स ठीक है तब लगा देंगे झाँए से आंसर आ जाएगा ठीक है एट्टी परसेंट आपके न्यूमेरिकल यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे एट्टी परसेंट वैलिड है और जो ये आपने पढ़ा वर्क एनर्जी थ्योरम ये तो इसका पापा है वर्क एनर्जी थ्योरम से ही तो आया है ये इसका मतलब है ये तो ऑलवेज वैलिड है ऑलवेज़ वैलिड बोलिए ऑलवेज वैलिड बेटा कभी भी लगा देना चाहे कैसा भी फोर्स हो सिस्टम में ठीक है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव चाहे एक्सटर्नल फोर्स सबका वर्क डन ऐड कर लो और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो खत्म बात आंसर आ जाएगा ठीक है बस ये है कि ये ये आपका न्यूमेरिकल थोड़ा इजी कर देता है ठीक है बोलिए समझ गया मिटार दें कॉपी हो गया बोलिए एक पॉइंट लिख लीजिए एक पॉइंट लिखिए बेटा क्या कहता है टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखिए अपने नोट्स में जल्दी से क्या कहता है बोलिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी इन द सिस्टम दैट इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रिमेंस कॉन्स्टेंट रिमेंस कॉन्स्टेंट एज लॉन्ग एज देर इज अ कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है बोलिए मतलब आइए फील करा दें क्यों बोला मैंने टोटल मैकेनिकल एनर्जी मतलब भाई मैकेनिकल एनर्जी क्या है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम ठीक है ये आपकी क्या हो गई इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ई आई ठीक है हम ई e से डोनेट करते हैं ठीक है तो इनका सम क्या हो गया देखिए इनका सम ई आई ही कहेंगे इसी तरह किसके बराबर है ई e फाइनल ठीक तो वही तो कह रहा हूं लाइन से मैं टोटल मैकेनिकल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसके बराबर है बोलिए कॉन्स्टेंट होगी मतलब इनिशियल किसके बराबर है फाइनल के बराबर है मतलब कॉन्स्टेंट होगी कब तक कब तक कॉन्स्टेंट होगी जब तक सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आया तो भैया ये इक्वेशन नहीं लगाएंगे बोलो डू इट इज़ नॉट वैलिड फॉर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जब तक होगा ठीक है ठीक है अगर कोई भी फोर्स है तो ये लगाओ समझ गए ठीक है ये तो ऑलवेज वैलिड है बोलिए मिटार दें चलिए नुमरिका लगाते हैं फिर जल्दी से कॉपी करिए तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है तो चलिए लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पे क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है बेटा देखिए ध्यान से कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ एम वन एंड एम टू गि एम टू बड़ा है एम वन से अब या एम टू बड़ा होगा तो वीस स्पीड से नीचे आ रहा होगा और ये सेम स्पीड से एम वन भी आगे जा रहा होगा वी स्पीड से तो ये स्पीड बतानी है कि क्या होगी एम वन और एम टू की ठीक है पहली बात स्पीड तो दोनों की सेम होगी रस्सी से बंधे हैं यार सेम स्पीड से चलेंगे अच्छा अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे आप क्या लगाओगे वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम ना लगाओ क्यों क्योंकि भाई यहाँ पे ना ही फ्रिक्शनल फोर्स है ना ही एक्सटर्नल फोर्स है तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा लंबा मेथड पड़ जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम से लगाओगे सीधे मैंने आपको डराइव करा दी इक्वेशन मैकेनिकल एनर्जी की बताइए क्या थी क्या थी इनिशियल कानेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज टू फाइनल कानेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है क्यों लगाएंगे इसको क्योंकि भाई यहां पे फ्रिक्शनल फोर्स एबसेंट है एक्सटर्नल फोर्स एबसेंट है तो इनका वर्कडन जीरो होगा तो धाएँ ऐसा लगाओ सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स है ना ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी पर लग रही होगी मास पे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ठीक कोई दिक्कत नहीं अब क्या करोगे भाई इनिशियल कनेक्टिंग एनर्जी क्या होगी दोनों की बताओ एम वन और एम टू की इनिशियली दोनों बेटा कहाँ पे होंगे रेस्ट पे होंगे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बोलो इनिशियली दोनों की तो वेलोसिटी जीरो होगी तो दोनों की कनेक्टिंग एनर्जी भी जीरो होगी बोलो जीरो जीरो हो गई भाई कनेक्टिंग एनर्जी क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर भाई दोनों की वेलोसिटी इनिशियली जीरो होगी तो कनेक्टिंग एनर्जी भी जीरो अच्छा अब आओ देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी उससे पहले बताओ ये एम टू किस स्पीड से नीचे जा रहा होगा मान लेते हैं ये बीस स्पीड से नीचे जा रहा होगा ठीक है तो ये एम वन बीस स्पीड से आगे जा रहा होगा ठीक है बेटा जैसे ये बीस स्पीड से नीचे आएगा तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा डाउनवर्ड मान लेते हैं ये एच डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट किया एच ठीक है समझ गया अच्छा फिर आपसे पूछ रहा है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल जी तो ध्यान दीजिए बात जब भी पोटेंशियल एनर्जी का खेल आएगा बोलिए जब भी पोटेंशियल एनर्जी का खेल आएगा तो आप क्या करोगे आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लोगे अगर मैं इस एम टू को के पॉइंट पे एम टू के रेफरेंस से मैं क्या करूँ मान लू इसको अपनी बेस लाइन या डेल्टेंस लाइन क्या बोलते हैं इसको डेल्टेंस लाइन बोलते हैं या बेस लाइन बोलते हैं या रेफरेंस लाइन मान लो कुछ भी बोलो यहां पे अगर मैं अपनी पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लू ठीक है मैंने पोटेंशियल जी यहां पे जीरो मान ली हम सिर्फ ग्राउंड पे ही पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं मान सकते कई बच्चे यही सोचते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे जीरो होती नहीं पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पे आप जीरो मान सकते हो ठीक है और यहीं से बताओगे कि किसी मास की पोटेंशियल जी क्या है समझ गए ठीक है अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बेटा एम टू की बताओ देखो किस पे है ये ये इसी बेस लाइन पे इसकी पोटेंशियल जी तो जीरो है समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो एम टू की पोटेंशियल जी है ऐसे भी सोच सकते हो ना ही ये एच नीचे आया ना ही ये एच ऊपर गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी जीरो होगी कुछ चला ही नहीं इसी तरह एम वन भी ना ही इधर गया ना ही इधर गया इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी इनिशियली तो कहोगे एम वन की पोटेंशियल एनर्जी जीरो और एम टू की भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो इनिशियल केस में ठीक है इज इक्ल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ठीक है बेटा तो ये एम टू नीचे बीस स्पीड से आ रहा है ये भी वीस स्पीड से आगे जा रहा है सेम स्पीड से तो क्या कहोगे एम वन की कैनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बोलिए ये हो जाएगी हाफ एम वन वी स्क्वायर बेटा प्लस इसकी क्या हो जाएगी एम टू की बोलिए हाफ एम टू वी स्क्वायर बेटा बोलिए ये हो गई आपकी फाइनल कैनेटिक एनर्जी ऑफ एम वन एम टू रख दिया प्लस फाइनल पोटेंशियल जी फाइनल पोटेंशियल जी बताइए एम टू की बताओ पहले एम टू की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बताओ यहाँ पे इनिशियली इसकी पोटेंशियल जी कितनी है जीरो है ये अपनी जहां पे इसकी पोटेंशियल जी जीरो है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी जब ये एच हाइट नीचे आएगा क्या हो जाएगी ग्रेविटेशन पोटेंशियल जी ये हो जाएगी माइनस एम जी एच क्या हो जाएगी माइनस एम जी एच बोलिए आप कहोगे माइनस एम जी एच कैसे बताएं भाई पोटेंशियल जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है एम जी एच ठीक है अगर भाई देखो रेफरेंस पॉइंट से बता रहा हूँ ठीक है अगर रेफरेंस पॉइंट से ये एम टू ऊपर चला जाता तो बोलते प्लस एम जी एच रेफरेंस पॉइंट से ये माइन बोलो एच नीचे आ गया तो बोलेंगे माइनस एम जी एच खत्म बात नीचे आ गया तो माइनस एम जी एच रेफरेंस पॉइंट से ऊपर आ गया तो प्लस एम जी एच खत्म बात तो माइनस एम जी एच किसकी एम टू की तो बोलो यहां पे एम टू लिख दो एम टू जी क्या लिखोगे एम टू जी ठीक समझ गए एम वन की क्या होगी खुद सोचो एक बात समझ लो देखो ये एच हाइट नीचे आया देखो एम टू वर्टिकल हाइट कुछ करेगा वर्टिकली कुछ चलेगा डिस्प्लेस करेगा कि नहीं करेगा ये तो हॉरिजेंटल एच आगे जाएगा अगर ये एच नीचे आएगा तो सोच रहे हो ये एच आगे जाएगा भाई आगे जाएगा डिस्प्लेस करेगा मगर हॉर्जेंटली करेगा और जब भी हॉरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट हो तो और आपसे कोई पूछे कि भाई उस मास की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी तो जीरो होगी कितनी होगी जीरो होगी कहोगे कैसे यार अरे भाई सीधी सी बात है पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस कंपोनेंट से निकलती है जब भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो देखो ये M2 ने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट किया या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए ठीक जा है ऐसे ऐसे डिस्प्लेसमेंट कोई कर रहा है जैसे M2, M1, M1 देखिए ऐसे कर रहा है ना आगे की तरफ तो पोटेंशियल जी जीरो जी होगी सीधी सी बात है यार नहीं आ रहा तो देख लो अच्छा बता देते हैं एम मान लो ये है आपका ये एच हाइट आगे जाएगा ठीक है इस पर ग्रेविटेशन फोर्स एम लग रहा होगा नीचे नाइन्टी डिग्री बन रहा है जब भी नाइन्टी डिग्री बन जाए जब भी नाइन्टी डिग्री बन जाए तो वर्टन क्या आता था जब भी भैया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होते थे तो वगडन जीरो आता था वर्कडन जीरो आएगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी तो जीरो आएगी एम वन की सीधी सी बात है ख़त्म ठीक है एम वन की पोटेंशियल जी जीरो अब यहाँ से क्या करोगे माइनस एम टू जी को इधर भेज दो पॉजिटिव हो जाएगा क्या कहोगे एम टू जी पॉजिटिव हो गया इज रिक्वेस्ट टू यहाँ से देखो इन दोनों को देखो बेटा ध्यान से यहाँ से अगर मैं हाफ कॉमन निकाल लूँ हाफ वी स्क्वायर निकाल लूँ हाफ वी स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ बोलिए तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट बचेगा एम वन प्लस एम टू क्लियर बोलिए फिर क्या कहोगे यहाँ से क्या कहोगे टू को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा टू एम टू जी टू एम टू जी एच बोलिए और एम वन प्लस एम टू नीचे आ जाएंगे ख़त्म बात क्लियर एम वन प्लस एम टू ठीक है इधर बचेगा वी स्क्वायर ठीक अब वी स्क्वायर है ये स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट लगा दो इधर ये आपकी स्पीड आ गई ठीक है बोलिए इसका मतलब क्या है इसकी स्पीड कितनी आ गई टू एम टू एम टू एम टू जी एच अपॉन एम वन प्लस एम टू स्पीड आ गई यही सेम स्पीड एम वन की भी होगी यही सेम स्पीड एम टू की भी होगी खत्म बात क्लियर मिटार दें चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर टू तो बेटा वीडियो को आप पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करिएगा ठीक है इस बार मैंने ऑप्शन भी दिए ए बी सी क्या कह रहा है क्वेश्चन में ध्यान से देखिए फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग वेन मास एम इज अलाउड टू फॉल इस मास एम को अलाउ कर दिया गया है गिरने के लिए ठीक है तो आपसे पूछ रहा है मैक्सीम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग पता है आपको कि भाई ये स्प्रिंग कुछ नीचे खींचेगी क्या करेगी एक्सटेंड करेगी तो देखिए मान लेते हैं ये कुछ एक्सटेंड हो जाएगी बोलिए ये क्या हो जाएगा ये मांस कुछ झाए से नीचे आएगा और यह मांस कुछ नीचे आ जाएगा यहाँ पर बोलिए हाँ या ना ठीक अच्छा नोट करने वाली बात क्या है आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंशन बेटा स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा जब उसको झटके से छोड़ो और क्वेश्चन में बोला भी है फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग व्हेन मास एम इज अलाउड टू फॉल इसको छोड़ दिया गया है फॉल करने के लिए झम से समझ रहे हो कि समझ रहे हो इस मास को धीरे 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 नीचे नहीं लाए हैं इसको झम से छोड़ दिए झटके में ये क्या होगा जैसे झटके में छोड़ोगे जाए से नीचे जाएगा और किसी मैक्सिमम एक्सटेंशन तक जाएगा मान लेते हैं ये नीचे कितना एक्सटेंड किया बोलिए नीचे की तरफ इसका एक्सटेंशन एक्स था अपनी नेचुरल लेंथ से भाई इसकी ये नेचुरल लेंथ होगी पहले से ही ठीक है अच्छा जैसे ही इस मास को आपने झम से छोड़ा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये मास किसी यहाँ तक आ गया आता जाएगा आता जाएगा झाएं झाए जाए अब रुक जाएगा क्यों इसका मतलब यहाँ पे इसकी विलॉसिटी जीरो हो गई खुद सोचो यार एक लिमिट तक भाई आपने स्प्रिंग को बांधा है किसी मास से ठीक है तो स्प्रिंग झम् से नीचे खींचेगी और वो मास जितना नीचे जाना होगा जाएगा अपनी नेचुरल लेंथ से कितना गया एक्स और जितना एक्स जाने के बाद उसकी विलॉसिटी जीरो हो जाएगी ठीक है समझ गया क्लियर तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हैं क्या करें हम हम इस पॉइंट को इसको बेस लाइन मानते हुए इसको बेस लाइन मानते हुए या डाल्टन लाइन मानते हुए या रेफरेंस लाइन मानते हुए अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लूँ ठीक है और अब बताइए कंजर्वेशन ऑफ़ मैकेनिकल एनर्जी लगाइए क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वो कहता है इनिशियल कॉनिटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इजल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर अच्छा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी खुद सोचो ये मास इनिशियली भाई कैसे होगा रेस्ट पे होगा छोड़ा नहीं गया तो इसकी इनिशियल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी जीरो होगी पहले से प्लस इनिशियल पोटेंशियल पोटेंशियलर्जी देखो इनिशियल पोटेंशियल पोटेंशियलर्जी मतलब इनिशियली मास की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है जीरो है खुद सोचो आपने यहाँ पे रेफरेंस लाइन मान लिया जीरो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई इस मास की कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस मास की जीरो हो गई ठीक है इनिशियली समझ गया इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ठीक है फाइनल काइनेटिक एनर्जी जूम से भाई ये गया नीचे भाई ये कौन सी केस है इनिशियल कंडीशन और ये जब एक्सटेंड होने के बाद फाइनल कंडीशन फाइनल कंडीशन देखो जब ये नीचे एक्स आएगा मैक्सिमम तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो फाइनल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी फाइनल वाली प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी दो चीज़ की होंगी एक तो मास की पोटेंशियल एनर्जी मतलब वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी ठीक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एम जी एच ठीक है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर ठीक है अच्छा अब बताइए ये मास अपनी बेस लाइन से जहां पे आपने पोटेंशियल जी जीरो मानी उससे एक्स नीचे आ गया और मैंने क्या कहा था जब भी कोई नीचे एक्स आएगा तो क्या कहेंगे माइनस एम जी एक्स समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्लियर अगर कोई बॉडी नीचे आएगी तो नेगेटिव हो जाएगी ना पोटेंशियल जी अपनी बेस लाइन से समझ गया कि नहीं समझ गया तो मैं पूछूं इस मास का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एम जी एक्स ठीक है वो भी माइनस का ठीक है माइनस एम जी एक्स प्लस ये तो हो गई भाई मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अब स्प्रिंग खींची है तो स्प्रिंग के अंदर भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी आई होगी वो कौन सी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अच्छा स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी भाई एक्स खिंच गई तो क्या कहोगे हाफ के एक्स स्क्वायर क्या होती है हाफ के एक्स स्क्वायर अब इसको माइनस में मत कह देना कि भाई एक्स तो डाउनवर्ड ये भी है ये पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होनी चाहिए भैया ने कहा था नहीं स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी नोट कर लो ऑलवेज पॉजिटिव हमेशा हमेशा स्प्रिंग पोटेंशियल है जी ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है नोट करिए ठीक अब क्या करोगे माइनस एम जी एक्स को इधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा प्लस एम जी एक्स ठीक उसके बाद इजुक्ल्स टू क्या बचेगा हाफ के एक्स स्क्वायर क्या बचेगा हाफ के एक्स स्क्वायर ठीक है टू को इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा टू एम जी एक्स बोलिए टू एम जी सॉरी एक्स नहीं रहेगा टू एम जी हो गया अपॉन के कर दोगे ठीक है बेटा इज क्वेस टू एक्स स्क्वायर बोलिए एक्स स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे क्या लगा देंगे अंडर रूट स्क्वायर को हटा दीजिए और अंडर रूट लगा दीजिए क्लियर समझ गए ये है आपका मैक्सिमम एक्सटेंशन याद रखिए जब भी मैक्सिमम एक्सटेंशन की कहानी होगी मैक्सिमम एक्सटेंशन की कहानी होगी तो याद रखना तब आप क्या लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ठीक है और क्वेश्चन में बोला भी होगा ये मास को अलाउड टू फॉल झम से छोड़ा गया है तभी तो मैक्सिमम एक्सटेंशन करेगा समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो अगर आप इसको धीरे 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 लाते तो ये इतना एक्सटेंशन ना करता समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्लियर अच्छा इसके प्रीवियस लेक्चर में सेम क्वेश्चन इसी तरह का मैं लेके आया था उस क्वेश्चन में क्या था उस क्वेश्चन में था मैं बताता हूं वो क्वेश्चन क्या था फाइंड वो क्वेश्चन था बोलिए वो था फाइंड लिखिए बेटा ये क्वेश्चन पहले देखिए हो गया इसका आंसर है ठीक है क्वेश्चन नंबर टू का इसी सेम क्वेश्चन टाइप का आता है देखिए ध्यान से क्या कहता है वो जैसे आपसे बोलता फाइंड एक्सटेंशन फाइंड एक्सटेंशन इन स्प्रिंग ठीक है बोलिए स्प्रिंग वेन मास वेन मास एम एम को क्या किया गया यहां पे, ग्रेजुअली अलाउड टू फॉल बोलिए एम इज ग्रेजुअली एम इज ग्रेजुअली अलाउड टू फॉल क्या है अलाउड टू फॉल बेटा समझ जाइए ठीक है देखिए ये क्वेश्चन है पहले वाले केस में आपसे क्या था इस मास को झम से छोड़ा गया झम्म से छोड़ा गया इसका मतलब क्या है आप ये लगाओगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन है फाइंड द एक्सटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंशन नहीं और स्प्रिंग वेन मास एम इज ग्रेजुअली अलाउड टू फॉल मतलब धीरे 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 मास को ला रहे हैं एकदम धीरे 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 झम्स नहीं ला रहे हैं ठीक है इस केस में क्या होगा आप उस मास को धीरे धीरे देखिए आपकी स्प्रिंग थी ये स्प्रिंग थी ये क्या हो जाएगा धीरे 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 मास आता गया किसी एक लिमिट तक आ गया अब जब यहाँ पे मास आ जाएगा ठीक है धीरे धीरे ला दिया छोड़ दिए अब मास ये यहीं रुका रहेगा बोलिए यहाँ पे मास ये रुका रहेगा भाई धीरे 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 ला दिए और ये आ गया ठीक है अब इस केस में ये क्या हाँ होगा इक्विलिब्रियम में होगा बोलिए इस पॉइंट पे ये इक्विलिब्रियम पे होगा क्या होगा इक्विलिब्रियम में होगा ठीक है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है? जो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लग रही होगी वो किसके बराबर होगी स्प्रिंग फोर्स भाई स्प्रिंग फोर्स तो पता होगा ना कैसे लगती है ऊपर की तरफ लगेगी बोलो भाई कितनी लगेगी स्प्रिंग फोर्स के एक्स पता होना चाहिए स्प्रिंग फोर्स होता है के एक्स ठीक है बोलिए धीरे 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 थे और ये इक्विलिब्रियम में आ गया मास ठीक है तो मतलब नीचे वाला फोर्स किसके बराबर हुआ के एक्स के बराबर हुआ और यहाँ से हम क्या कहेंगे के एक्स किसके बराबर है एम जी के बराबर है किसके बराबर है एम जी के बराबर है और यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा एक्स इक्वल टू एम जी बाय के ठीक है देखिए आंसर क्या आया ये आया है ये वाले ये क्वेश्चन का आंसर जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया भी था फाइंड द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग वेन एम इज ग्रेजुअली ब्राउड इज अलाउड टू फॉल इस मास को धीरे 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 लाए ठीक है और लिखना लाते गए जितना जाना था गया ठीक है मैक्सिमम एक्सटेंशन तो होगा नहीं जम छोड़े नहीं हो ठीक है कुछ कमी होगा अभी प्रूफ भी कर देंगे देखो ये आ रहा है ये मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना था, k, कित आया था टू एम जी बाय के और ये कितना आया था एम जी बाई के कम ही तो आया है धीरे 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 ला दे और जैसे लाते गए भाई नीचे वाला फोर्स बराबर हो जाएगा ऊपर वाले फोर्स के बराबर ऊपर है के एक्स स्प्रिंग फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी दोनों को इक्वेट कर दिए क्योंकि इक्विलिब्रियम में था यहाँ पे मास अब रुका हुआ होगा ऊपर नीचे नहीं हो रहा होगा तो कह देंगे एक्स इक्वल टू क्या जाएगा के को नीचे भेज देंगे एम जी बाय के क्लियर समझ गए नहीं समझ गए अच्छा तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन हो तो ये लगाएंगे इक्विलिब्रियम में लगा देंगे फोर्स को, फोर्स को इक्विलिब्रियम बोलिए जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होगा एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग ग्रेजुअली धीरे 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 रहे हैं उस केस में आप दोनों फोर्स को बराबर कर दोगे फोर्स इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट लगाओगे दोनों फोर्स को बराबर कर दोगे ऊपर वाले और नीचे वाले तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा एम जी बाई के ठीक है अगर आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग जब मास को झटके में छोड़ा गया झम्म से समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्लियर अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो तो कितना आएगा आंसर मैक्सिमम एक्स मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना आएगा टू एम जी बाइक के ठीक है क्लियर झटके में छोड़ो को सीधी सी बात या झम्स खींची आएगा ज़्यादा खींचेगा देखो टू एम जी बाइक है और कहाँ यहाँ एम जी बाइक है तो क्वेश्चन नंबर टू का ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलिए टू एम जी बाइक के समझ गए और इसका आंसर क्या होगा एम जी बाइक है कई बच्चे इस क्वेश्चन नंबर टू का पहला ए लगाएंगे जो कि गलत होगा समझ, समझ गया कि समझ गया बोलिए क्लियर की नहीं क्लियर मिटार दें चले दूसरा क्वेश्चन करें तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए देखते हैं किस बच्चे का आंसर आता है हो गया ठीक है बेटा देखिए क्या कर रहा है आई स्प्रिंग इज कम्प्रेस्ड बाय टू मीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ फाइंड द डिस्टेंस मूव बाय टू के जी ब्लॉक वेन इट इज रिलीज ध्यान देने वाली बात क्या है ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ कितनी थी यहाँ से लेके जो ये आपको डॉटेड लाइन दिख रही इतनी थी ठीक है उससे क्या बना है मांस बनाए टू के जी का वहाँ से लेके इसको कंप्रेस कर दिया गया दो मीटर कंप्रेस करके अंदर की तरफ दाब दिया गया और दाबने के बाद यहाँ पे छोड़ दिया गया जूम से तो क्या होगा दो मीटर दाबोगे इस मास को मतलब स्प्रिंग दबेगी फिर क्या होगा स्प्रिंग जैसे ही छोड़ोगे अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगा भाई नॉर्मल पोजीशन मतलब स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ तक यहाँ तक आगे जाएगा दो मीटर ठीक है ये तो पता हो गया फिर यहाँ पे नेचुरल लेंथ पे आने के बाद उसके बाद ये मास रुकेगा थोड़ी ना फिर ये आगे भी जाएगा मान लेते हैं कि ये वाई डिस्टेंस आगे गया ठीक है तो क्वेश्चन में पूछा है कि जब इस स्प्रिंग को दो मीटर फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ दबा के छोड़ दिया गया बोलिए यहाँ से छोड़ दिया गया मतलब ये आपकी इनिशियल पोजीशन यहाँ से छोड़ दिया गया तो ये कितनी दूरी जाएगा यहाँ से बोलिए दो मीटर प्लस वाई वाई निकाल लेंगे ठीक है कि नहीं ठीक है अच्छा अब क्या करेंगे ध्यान देने वाली बात क्या है जो सरफेस है आपका ये स्मूथ नहीं है स्मूथ नहीं है मतलब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स होगी रफनेस दी है रफ कितना है यहाँ पे इसका कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है म्यू दिया है हाफ तो आप यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं होगा इसका मतलब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वही वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स जीरो नहीं होगा फ्रिक्शनल फोर्स होगा रफनेस होगी तो क्लियर बोलिए यहाँ पे ये नहीं लगा सकते हैं बोलिए के आई प्लस यू आई प्लस बोलिए यू फाइनल प्लस यू के फाइनल ठीक है ये नहीं लगा सकते हैं अच्छा ऑफ मैकेनिकल एनर्जी नहीं लगा सकते हैं तो क्या लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम ऑलवेज ऑलवेज वैलिड वैलिड क्या कहती है वर्क तो डन जाएगा जल्दी से बताइए वर्क डन बोलिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल बोलिए वर्क डन बाय ऑल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ठीक है अच्छा अब आपको पता है यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो दिख नहीं रही है एक्सटर्नल फोर्स तो दिख नहीं रही है तो इसका वर्क डन तो जीरो होना है ठीक है बोलिए ठीक अच्छा अब यहाँ पे देखिए डब्ल्यू सी को उधर भेज देते हैं इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा के फाइनल माइनस के इनिशियल उधर हो जाएगा माइनस डब्ल्यू सी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ठीक है इधर क्या बचेगा डब्ल्यू एन सी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भैया नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कौन है फ्रिक्शनल फोर्स ही है बोलिए तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या आएगा क्या आएगा बोलिए के फाइनल माइनस के इनिशियल बोलिए अब माइनस डब्लू सी क्या होता है बोलिए नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स किसके बराबर था यू फाइनल माइनस यू इनिशियल मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहां से क्या कर सकते हो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे ये इक्वेशन लगाएंगे ये देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाए क्या हमेशा ड्राइव करोगे नहीं ये पकड़ लो रट लो बेटा ठीक है जमस लगाओ ठीक है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी तब तक वैलिड थी जब तक वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो था और एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो होता समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो ठीक है तो अब ये लगाएंगे तो क्या होगा देखिए क्वेश्चन डब्ल्यू एफ मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर है के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बेटा बोलिए अब यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा डब्ल्यू एफ मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स तो कैसे निकालोगे चलिए पहले निकालते हैं फ्रिक्शनल फोर्स आता एक नहीं आता आपको बोलिए चलिए ध्यान से देखिए बेटा हमें यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निकालना होगा तो पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकालते हैं कितना लग रहा होगा कैसे निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इन एन म्यू दिया है हाफ रख दिया खत्म बात एंड एन क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस मास पे नीचे वाला सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा परपेंडिकुलर अपवर्ड और इसी मास पे एक नीचे लगा रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स एम बोलिए इस एम की वैल्यू निकाल लो कितनी हो जाएगी टू मास कितना दिया टू इंटू जी जी होता है टेन टू इंटू टेन कितना हो जाएगा ट्वेंटी ठीक है तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होता है एम के बराबर मतलब ट्वेंटी के बराबर तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया ट्वेंटी यहाँ से आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा बोलिए टेन टेन न्यूटन आ जाएगा ठीक है इसको टू से काट देना ठीक है टेन न्यूटन आ गया अब आपको पूछ रहा है वर्ग डन निकालना है बाय फ्रिक्शनल फोर्स वर्क डन कैसे निकालते हैं बोलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कोई भी फोर्स हो वर्क डन निकालना हो क्या करोगे एफ एस कॉस थीटा एफ एस कॉस थीटा बोलिए और यहां पे एफ कौन सा होगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस कॉज थीटा बोलिए या ना ठीक है अब टू के जी के मास पे फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा जैसे यहां पे ला के छोड़ दिए जूम से आगे जाएगा तो पीछे की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा रोकने के लिए पीछे की तरफ नीचे वाला सर्फेस लगाएगा फ्रिक्शनल फोर्स एफ और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा बोलिए आगे की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा इसका मान लेते हैं एस कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आगे की तरफ ठीक है अच्छा तो फ्रिक्शनल फोर्स और एस के अंदर देखिए एंगल कितना बन रहा है बोलिए ये थीटा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट और फ्रिक्शन के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा तो थीटा की जगह 180 डिग्री होगी कॉज वन एट्टी होता है माइनस वन बेटा ठीक है हो गया फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी आई टेन न्यूटन बोलिए टेन न्यूटन माइनस भूलना मत माइनस आगे लगा दो एस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट बोलो यहां से ला के नेचुरल लेंथ से लाके छोड़ोगे जब तो कितना चलेगा पहले अपनी नेचुरल लेंथ पर आएगा टू मीटर फिर और कितना जाएगा वाई चलेगा तो टू प्लस वाई पूरे रास्ते में यहां से जब इसको छोड़ोगे यहां तक जाएगा आगे की तरफ इस रास्ते में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा बोलो अरे भाई फ्रिक्शनल फोर्स कब तक लगेगा यहां से छोड़े तो इस रास्ते में पूरे क्या लगेगा टू प्लस बोलिए वाई इस रास्ते में लगेगा क्या फ्रिक्शनल फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना हो जाएगा टू प्लस वाई बेटा कोई दिक्कत नहीं बोलिए अच्छा अब यहां पे रख दीजिए वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स क्या आ गया माइनस टेन ब्रैकेट में ब्रैकेट में क्या है टू प्लस वाई टू प्लस वाई कल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल बोलिए के फाइनल माइनस के इनिशियल ये क्या होगा भाई फाइनल वेलोसिटी भाई इस मास को लाके यहां से छोड़े जूम से आगे गया जूम से आगे जाएगा तो क्या होगा जितना जाना था जाएगा यहाँ पे आ गया आपका टू के जी वाला मास ठीक है अब जाने के बाद यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी रुक जाएगी अरे जितना जाना था चला गया रुक गया उसके बाद समझ गए तो फाइनल वेलोसिटी जीरो और फाइनल वेलोसिटी जीरो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो ठीक है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी ही इनिशियली कोई वेलोसिटी दी भी नहीं थी प्लस यू फाइनल अब ध्यान से देखिए बेटा बेटा यू क्या होता है हम क्या निकालने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी किसकी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अब भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास की एम जी एच ये तो जीरो ही होगा गधा ना बनना बेवकूफ़ ना बनो भाई बता चुके हैं अगर कोई मास हॉर्जेंटली डिस्प्लेसमेंट करेगा आगे की तरफ कराए या पीछे की तरफ कराए और पोटेंशियल एनर्जी पूछे हॉर्जेंटली समझ गए तो क्या होगा जीरो ही होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे ठीक ठीक है अच्छा ठीक है भाई फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है भाई जब मास फाइनल पे था ठीक है फाइनल पे था पोटेंशियल एनर्जी निकालते कैसे हैं इसका फॉर्मूला होता है हाफ बोलिए ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर बेटा और यहाँ पे जो एक्स होता है एक्स ये क्या होता है कितना खींच दिए दबा दिए कितना कंप्रेशन या क्या इलांगेशन समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो भैया एक्स क्या है कितना कंप्रेस कर दिए या कितना खींच दिए अच्छा फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ सबसे इंपॉर्टेंट वायल पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से निकालते हैं फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ ठीक है फाइनल पोटेंशियल जी भाई नेचुरल लेंथ से बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ यहाँ पे बैठ गए नेचुरल लेंथ पे ये नेचुरल लेंथ इसकी ठीक है डॉटेड ब्लू लाइन कहाँ तक जाना है फाइनल पोटेंशियल निकालना है भाई फाइनल पोटेंशियल भाई यहाँ से छोड़े हो गए खींचे हो गए माँस को तो ये जूम से आगे जाएगा आगे जाएगा फाइनली मास तो क्या होगा फिर स्प्रिंग एक्सटेंड भी तो करेगी इलॉन्गेट करेगी कि नहीं करेगी अरे भाई पहले कंप्रेस करे होगे फिर जूम से आगे गया होगा फिर इलॉन्गेट भी तो की होगी स्प्रिंग अच्छा तो नेचुरल लेंथ से फाइनल तक जाना है और पोटेंशियल जी निकालते कैसे हाफ के एक्स स्क्वायर भाई ये कितना इलांगेट कर गया वाई कर गया तो फाइनल पोटेंशियल जी कितनी हो जाएगी भाई यहाँ पे कितना चला वाई चला तो हाफ के एक्स की जगह यहाँ पे वाई रख दो बस समझ रहे हो कि समझो क्या क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाली हाफ के एक्स स्क्वायर होता है के की जगह यहाँ पे कितना गया नेचुरल से आगे की तरफ वाई बोलिए तो यहाँ पे के वाई स्क्वायर हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग ठीक है इनिशियल भाई यहाँ पे है कहाँ से निकालना है बेटा कहाँ से पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज फ्रॉम द नेचुरल लेंथ नेचुरल लेंथ से अंदर की तरफ दाब दिए कितना दो मीटर तो बस यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी टू मीटर क्या दिक्कत है इसमें तो क्या हो जाएगा आंसर बोलिए यहाँ पे हाफ के एक्स स्क्वायर कि एक्स कितना है बेटा एक्स यहाँ पे टू है ठीक है तो टू का स्क्वायर कर दीजिए ख़त्म बात कोई दिक्कत नहीं अच्छा अब इसको सॉल्व करिए यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलिए जल्दी से अगर मैं हाफ़ के कॉमन निकाल लूँ हाफ के कॉमन निकालू तो क्या बचेगा वाई स्क्वायर ब्रैकेट में माइनस टू स्क्वायर बचेगा टू स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे सीधे फोर लिख देते हैं कोई दिक्कत नहीं ठीक अच्छा इसको सॉल्व कर लीजिए कितना हो जाएगा माइनस टेन बोलिए सॉरी टू से इंटू करो कितना हो जाएगा ट्वेंटी हो जाएगा माइनस ट्वेंटी हो जाएगा बेटा ठीक है माइनस टेन इंटू क्या हो जाएगा वाई जो हो जाएगा माइनस टेन वाई ठीक बेटा अच्छा अब यहाँ पे के की वैल्यू रख दीजिए हाफ के के कितना था के आपका ट्वेंटी था के आपका ट्वेंटी था लिख दिया हमने वाई स्क्वायर माइनस फोर ठीक है अच्छा ठीक है अब इधर देखिए ये तो लिखा ही है माइनस ट्वेंटी माइनस टेन वाई अब क्या करेंगे भाई इसको इससे काट दिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टेन ठीक है टेन को मल्टीप्लाई करेंगे किससे वाई स्क्वायर से और माइनस फोर से तो कितना हो जाएगा टेन वाई स्क्वायर माइनस फोर ठीक है बेटा फोर नहीं फोर्टी हो जाएगा ना ठीक इधर देखिए इधर क्या हो गया माइनस ट्वेंटी माइनस टेन वाई ठीक है अब देखिए ध्यान से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है सॉल्व करना पड़ेगा तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए यहाँ पे देखिए टेन वाई लिखे रहने दीजिए वाई स्क्वायर को टेन वाई स्क्वायर लिखे रहने दीजिए इस टेन वाई को उधर भेज देंगे पॉजिटिव हो जाएगा टेन वाई इधर हो गया बोलिए टेन वाई इधर हो गया ठीक बेटा कोई दिक्कत नहीं अच्छा ये जो माइनस ट्वेंटी है इसको उधर भेज देंगे माइनस फोर्टी के पास तो ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो आ जाएगा माइनस ट्वेंटी कोई दिक्कत इज इक्वल्स टू तो जीरो कॉडिटी की बन गई अब कॉर्डी इक्वेशन सॉल्व करोगे यहाँ पे दो वाई की वैल्यू आएगी ठीक है उसमें से एक सही होगी तो चलिए समझ गए कि नहीं समझ गए पहले कॉपी करिए इतना ठीक है सॉल्व करें इसको ट्राई करिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ मैं साइड हो रहा हूँ पहले ठीक है कॉपी कर लीजिए रब कर रहे हैं ठीक है इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे अभी जल्दी करिए सोल्व करिए कॉपी करिए बेटा साइड हो रहा हूँ तो बताइए कॉपी हो गया मिटार दें बेटा सॉल्व करें ठीक है देखिए ध्यान से ये अपनी कॉर्डी का है तो चलिए ध्यान से देखिए बेटा क्वार्टिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे ये वाई स्क्वायर था ठीक है इसको कॉपी कर लीजिए पहले तो ये जो, जो टेन वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई माइनस ट्वेंटी ये आ गई आपकी क्वारिक इक्वेशन ठीक बेटा अब इस क्वारिक इक्वेशन को सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा बोलिए फैक्ट्राइज करिए आता है कि नहीं आता आपको बोलिए चलिए एक मिनट पेन चेंज कर लें हाँ तो देखिए बेटा अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को टेन से डिवाइड कर दूँ तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इधर हो गया प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई और यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू ठीक है इसमें कोई दिक्कत नहीं है अच्छा अब इस बीच वाले को तोड़ दिए स्प्लिट कर दिए तो क्या हो जाएगा ये टू है टू का क्या करो फैक्टर कर लो टू से ले गए वन से ले गए कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा जल्दी चाहिए यहाँ पे वाई को तोड़ लो बेटा बाई को कैसे तोड़ोगे यहाँ पे टू वाई हो सकता है माइनस वाई माइनस टू वाई टू हो जाएगा टू जीरो और यहाँ पे वाई स्क्वायर है अच्छा अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे यहाँ से फैक्ट्राइज करिए कॉमन निकालिए अगर मैं यहाँ से y कॉमन निकाल लूँ क्या हो जाएगा y प्लस टू और यहाँ से माइनस वन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा y प्लस टू इज टू ज़ीरो बोलिए y प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा यहाँ से कह सकते हैं और y माइनस वन वाई माइनस वन ठीक है y माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो अच्छा तो यहाँ से देखिए दो आंसर आएंगे अपने पास वाई के एक आ जाएगा वाई इक्वल टू माइनस टू और यहाँ पे आ जाएगा वाई इक्वल टू प्लस वन अच्छा अब ये आंसर तो होगा नहीं भाई खुद सोचो यहाँ से जब छोड़ोगे तो आगे जाएगा आगे जाएगा तो पॉजिटिव वर्क करेगा ना पॉजिटिव होगा डिस्टेंस तो यहाँ पर माइनस तो होना नहीं है ये आंसर होगा आपका अच्छा वाई की वैल्यू है आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस मूवड बाय टू के जी ब्लॉक वेन इट इज़ रिलीज फ्रॉम इट अच्छा ध्यान से बेटा ऐसे क्वेश्चन जेई नीट में खेल जाते हैं अगर बोलता फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ तब तो वाई आंसर होता जहां से छोड़ा गया बोला वेन इट इज रिलीज फाइन ए डिस्टेंस ब्लॉक यहां से पकड़ा गया दबा दिया गया फिर यहां से छोड़ दिए जब तब कितना डिस्टेंस मूव किया तो दो मीटर प्लस वाई मतलब क्या है दो मीटर प्लस तो वाई तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका बताइए डिस्टेंस मूव क्या हो जाएगा आपका बोलिए टू मीटर प्लस वाई समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं टू मीटर प्लस वाई टू रख दीजिए प्लस वाई वाई कितना निकाल के लाए आंसर कौन सा है वन तो कितना मूव कर गया थ्री मीटर आंसर हो जाएगा आपका बोलिए तो डिस्टेंस कितना मूव किया डिस्टेंस मूव किया आपका बोलिए थ्री मीटर आंसर हो जाएगा क्लियर कि नहीं क्लियर फ्रॉम इट्स रिलीज पॉइंट अगर बोलता फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ कितना चला तो वाई चला तो वाई आंसर होता मतलब वन मीटर क्लियर कि नहीं क्लियर ऐसे ही खेल खेलता है जेई नीट वाले बंदे समझ गए गया कई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको क्वालिटी एक्शन सॉल्व नहीं करना आता है समझ रहे हो नहीं समझ रहे ठीक है वीडियो लंदी हो जाती है इसी के चक्कर में चलिए तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये तो आप कर ही लेंगे हो जाएगा देखिए क्या रहा है फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग नोट ऑल सर्फेसिस स्मूथ हैं बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये मास जू से फिसलता हुआ आगे जाएगा जू से मारेगा इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर जाएगी क्या होगा यह मास यहां से जब छोड़ा जाएगा जू से दबाएगा इस स्प्रिंग को यह कितना मैक्सिमम कंप्रेस हो सकती है दब सकती है ठीक है तो यही निकालना है आपको और ध्यान दीजिए नोट ऑल सर्फेस स्मूद है इसका मतलब क्या है फ्रिक्शनल फोर्स एबसेंट होगी मतलब फ्रिक्शनल फोर्स एबसेंट है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो होगा और एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है दिख ही नहीं रही है तो इसका मतलब क्या है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है तो यहां से सीधे हम क्या लगा देंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहता है बोलिए ये कहता है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स तो होगा नहीं तो क्या होगा ये मास जू से नीचे आएगा यहाँ पे आ जाएगा मान लेते हैं ये मास एम नीचे आ जाएगा और जू से दबाएगा इस स्प्रिंग को जू से तो कितना मान लेते हैं ये कुछ एक्स कंप्रेस कर गई एक्स ना कह के कह देते हैं एक्स मैक्सिमम कंप्रेस कर गई कुछ एक्स मैक्स ये स्प्रिंग कुछ एक्स दब गई ठीक है मान लिया मैंने और यही निकालना है बेटा अच्छा अब यहाँ पे सुनिए मेरी बात आपसे कह रहा है इनिशियल इनिशियल का एनर्जी भाई जीरो होगी बोलो मास के पास कोई वेलोसिटी है ही नहीं इनिशियली अच्छा प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भैया पोटेंशियल एनर्जी याद रखिए अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी ध्यान से देखो बेटा ये मास कुछ एच हाइट है अब यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास का जीरो मत कर देना इनिशियल वाली अगर मैं इस पॉइंट को इस लाइन को इसको बेस मानते हुए यहाँ पे रेफरेंस लाइन मान के इस लेवल को क्या मान लूँ रेफरेंस लाइन या वही डाल्ट लाइन बोलो वहाँ पर पोटेंशियल जी जीरो मान सकते हैं ठीक है कहीं भी मान सकते बताया था मैंने तो देखो ये मास इनिशियली कहाँ है एच हाइट ऊपर है एच हाइट ऊपर है तो क्या कहा था मैंने अगर कोई आपके बेस लाइन से जहां पे आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी है एच हाइट ऊपर है तो क्या कहेंगे उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी कितनी होगी बोलिए एम जी एच प्लस एम जी एच ठीक बेटा कोई दिक्कत नहीं अच्छा समझ गया इनिशियल अच्छा स्प्रिंग दबी भी नहीं थी स्प्रिंग भाई मास तो पहले यहाँ होगा और ये दबा भी नहीं होगा भाई स्प्रिंग क्योंकि तो मास तो ये ऊपर ही होगा यहाँ थोड़ी ना होगा तो स्प्रिंग दबी भी नहीं होगी इनिशियली तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी दबी ही नहीं तो क्या दिक्कत है ठीक है फाइनल काइनेटिक एनर्जी भाई जैसे जू से ये मास आगे गया भाई फाइनल केस में क्या हो जाएगा यहाँ जाएगा और जू से दबाएगा जितना जाना होगा दब जाएगा अंदर उसके बाद इसकी विलोसिटी जीरो जाएगी फाइनल वाली तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी मास की ठीक है समझ गया प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल पोटेंशियल जी अब देखिए मास कहाँ गया एकदम यहाँ पर आ गया और इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई ठीक है मास की बोलिए मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो गई मगर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भाई ये एक्स कुछ दब गया अंदर की तरफ एक्स मैक्स तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है बोलिए यूजगल टू हाफ के एक्स स्क्वायर होती है कि नहीं होती है तो यहां से रख दो जल्दी से यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग प्लस कितना करोगे हाफ के एक्स एक्स क्या है बेटा यहाँ पे एक्स कितना दब रहा है एक्स मैक्स नाम दे दिया इसमें कोई डरने की बात नहीं है कह सकते हो बोलिए एक्स मैक्स का स्क्वायर बेटा कोई दिक्कत नहीं बेटा समझ गए भाई जूम से दबा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गई हाफ के एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं अच्छा अब यहाँ से आपको एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से कहोगे एम जी एच किसके बराबर है हाफ के एक्स मैक्स जो आपको निकालना है इसका स्क्वायर ठीक है बेटा अब यहाँ से क्या कहोगे यहाँ पे टू भेज दो ऊपर मल्टीप्लाई में टू एम जी एच बोलिए अपॉन के नीचे भेज दिया के को यहाँ पे हो जाएगा आपका एक्स मैक्स का स्क्वायर बेटा ठीक है बेटा ये स्क्वायर हटा के यहाँ पे अंडर रूट लगा दो आपका आंसर आ गया ठीक है मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है स्प्रिंग में मैक्सिमम कंप्रेशन कितना हो सकता है इतना हो सकता है बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर समझ गया अच्छा फील करने वाली बात क्या थी इतना लंबा मेथड क्यों लगाना सीधी सी बात है यार सिर्फ इसके पास मास के पास क्या थी पोटेंशियल एनर्जी इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी एच हाइट ऊपर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी वो किस में कन्वर्ट हो गई फाइनली जूम से दबा ये स्प्रिंग्स दब गई एक्स तो ये पोटेंशियल एनर्जी एम किसके बराबर होगी स्प्रिंग पोटेंशियल जी देखो फील करो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी किसके बराबर हुई स्प्रिंग पोटेंशियल जी हाफ के एक्स स्क्वायर भाई एक्स यहाँ पे मैक्स है तो क्या दिक्कत है एक्स मैक्स क्लियर आगे आंसर बोलिए मिटार दें अच्छा क्लियर चलिए दूसरा क्वेश्चन करें तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव तो वीडियो को पॉज करिए खुद से ट्राई करिए एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बेटा जो बच्चा ये क्वेश्चन कर लेगा समझ लो उसकी कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी बहुत शानदार चल रही है ठीक है सारे बच्चे ट्राई करेंगे ठीक है देखिए क्या कह रहा है फाइंड द कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ठीक है आपसे क्या कह रहा है कंप्रेशन बताना है, स्प्रिंग में क्या होगा ये टू के का मास है बी सी वाले रास्ते पर चलेगा बी से सी चलेगा ठीक है झू से चलेगा फिर जू से सी से डी चलेगा और सी से डी चलने के बाद जुम्म से स्प्रिंग को दबा देगा मान लेते हैं ये एक्स इसको क्या कर देगा दबा देगा कंप्रेस कर देगा ठीक है और यही हमें निकालना है अच्छा अब ध्यान से देखिए बी से सी वाले रास्ते में फ्रिक्शनल फोर्स होगा क्योंकि यहाँ पे म्यू दिया है जीरो पॉइंट वन जीरो पॉइंट टू दिया है फिर सी से डी वाले रास्ते में भी देखिए रफनेस होगी म्यू दिया है जीरो पॉइंट फोर इसका मतलब क्या है पहले बी से सी जाएगा तो उस रास्ते में भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो फिर सी से डी जाएगा वहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो इसका मतलब है भैया यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है और फ्रिक्शनल फोर्स है तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो नहीं होगा तो बस क्या लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम जो ऑलवेज अप्लाइड है क्या कहेंगे बोलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ठीक बेटा अब देखिए भाई फ्रिक्शनल फोर्स बी से सी जाएगा और सी से डी जाएगा चाहे ये पूरे रास्ते का फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा नहीं अलग अलग होगा भाई बी सी का फ्रिक्शनल फोर्स अलग होगा क्योंकि इसका म्यू अलग है इसी तरह सी डी वाले रास्ते में जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो अलग होगा तो उनका वर्कडन भी अलग होगा अलग अलग रास्ते में सीधी सी बात है तो कहेंगे हम बोलिए तो हम कैसे क्या, क्या करेंगे बी से सी वाले में वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लें फिर सी से डी वाले रास्ते में अच्छा तो क्या करना है हमको वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स बी से सी बोलिए बी वाले रास्ते में प्लस वर्क डन बाय सी से डी क्लियर किसके बराबर है के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल ठीक बेटा अब क्या करोगे यहाँ पे आपको फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा फिर उसके बाद तभी तो वर्क डन आएगा अच्छा अब चलिए बी से सी वाले रास्ते में देखते हैं बी से सी वाले रास्ते में हम देखते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं निकालेंगे हम सीधे वर्डन निकालते हैं बाई फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है अच्छा भाई वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है वर्डन का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए जल्दी से वर्डन का फॉर्मूला होता है बाई फ्रिक्शनल फोर्स किसके रास्ते में बी से बी से सी वाले रास्ते में क्या हो जाएगा ये हो जाएगा भाई एफ एस होता है बोलिए एफ एस कॉस थीटा होता है क्या होता है एफ एस कॉस थीटा ठीक है अब थीटा क्या होगा भाई सीधी सी बात है सीधी सी बात है डिस्प्लेसमेंट ऐसे कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा होगा बोलिए इस पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लग रहा होगा पीछे की तरफ और इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ तो बताइए इन दोनों में एंगल कितना होगा वन एट्टी डिग्री खत्म बात कितना होगा वन एट्टी डिग्री ठीक बोलिए फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है भले बताइए कॉज वन एट्टी कितना होता है ये तो होता है माइनस हाफ माइनस वन होता है सॉरी फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या था ये होता है म्यू इंटू एन क्या होता है म्यू इंटू एन ठीक है और ये माइनस का साइन आगे भेज दीजिए मल्टीप्लाई में ठीक है म्यू इंटू एन ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स एस क्या होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बोलिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कैसे निकालोगे हो ध्यान से देखिए पहले पहले ध्यान से देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है वेज वाला ये कौन सा एंगल है थर्टी सेवन वाला और ये कितना दिया इसकी हाइट थ्री मीटर याद करिए आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में याद करिए आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये एंगल थर्टी सेवन है और इसकी हाइट एक भी दी है इसमें से मान लो ये तीन दी है अगर ये तीन है तो ये पाँच हो जाएगा तो और ये क्या हो जाएगा चार हो जाएगा याद करिए आपने पढ़ा था पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था ठीक है समझ गया इसका मतलब क्या डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये कंपेयर कर दो इस ट्राइंगल को छोटे से ट्रैंगल को इससे कंपेयर कर दो तो ये बी सी देखो बी सी कितना होगा पाँच मीटर बोलिए ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बी सी का पाँच मीटर ठीक है तो यहाँ पे पाँच मीटर होगा पहले एस लिख देते हैं बाद में रख देंगे वैल्यू ठीक है अब यहाँ ध्यान से देखिए भाई मीयू पता है एन निकालना पड़ेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसे लग रही होगी बोलिए इस टू के के मास पे इसके जी के मास पे कितना लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कुछ तिरछा लग रहा होगा परपेंडिकुलर फॉर्म द सर्फेस ठीक है ये किसके बराबर होगा क्या एम के बराबर होगा नहीं अब इस बार एन इक्वल टू एम मत कर देना गलत हो जाएगा भाई एम थोड़ी ना बैलेंस कर रहा है आपको इस एम का कंपोनेंट लेना पड़ेगा और इसका कंपोनेंट क्या होगा ये हो जाएगा कंपोनेंट एम जी कॉस बोलिए अरे भाई इस एम को तोड़ लो तो क्या हो जाएगा एम जी थीटा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो यार थीटा कितना थर्टी सेवन तो क्या कहोगे एम जी कॉस थर्टी सेवन ठीक है एन किसके बराबर होगा एम जी कॉस थर्टी सेवन बोलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ से हम भैया एन की वैल्यू निकाल सकते हैं एन किसके बराबर है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एम जी कॉस थर्टी सेवन बोलिए कोई दिक्कत एम कितना है एम टू के जी है जी कितना है टेन है रख दिया कॉस थर्टी सेवन इस ट्राइंगल को देख लो बोलो बी बाई एच होता है फार्मूला कॉस के लिए निकालने के लिए तो बी बाय एच बी क्या है फोर है एच है फाइव तो फोर बाय फाइव हो गया कॉस थर्टी सेवन बोलिए फोर बाय फाइव हो गया बोलिए फोर बाय फाइव हो गया अब यहाँ से सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा ये टू हो जाएगा ये आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर कितना आ गया सिक्सटीन आ गया अब यहाँ पे बस रख दो सब कुछ क्लियर अच्छा म्यू पता है इस रास्ते में देखो बी वाले में म्यू कितना दिया ज़ीरो पॉइंट टू दिया है बस जीरो पॉइंट टू रख दो ठीक है इंटू एन एन कितना है सिक्सटीन है बेटा कितना है न है रख दिए इंटू एस एस क्या है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा अभी ट्राइंगल से देखिए ये दिया था ना भाई डिस्प्लेसमेंट दिया तो डरने की बात नहीं है अरे थर्टी सेवन ये था तो ये थ्री था दिया था क्वेश्चन में तो हाइट तो इस हिसाब से ये फाइव होगा कि नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट ठीक है डिस्प्लेसमेंट फाइव होगा डरने की बात नहीं है ख़त्म बात इसको सॉल्व करोगे जीरो पॉइंट टू इंटू फाइव कितना हो जाएगा वन हो जाएगा वन इंटू सिक्सटीन कितना जाएगा माइनस सिक्सटीन आ जाएगा बोलिए वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इन बी सी बी सी वाले रास्ते में कितना लगा माइनस सिक्सटीन तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं बी सी वाले रास्ते में वर्क डन बाय बानल फोर्स कितना लगा माइनस सिक्सटीन ठीक है अब सी से डी निकालेंगे ये आ गया ठीक है मिटा दें चलिए बोलिए समझ गया कि नहीं समझ गया अच्छा तो जल्दी से निकालिए वर्क डन इन सी डी वाले रास्ते में निकालो आप लोग ठीक चलिए अब ध्यान से देखिए बेटा हमें निकालना है वर्क डन इन बी वाले सी वाले रास्ते में ठीक है अब कुछ देर बाद भाई मास यहाँ आ जाएगा सीधी सी बात यार, है यार यह ठीक है ये मास यहाँ आ जाएगा ठीक है टू के का मास है ना ठीक है ये टू के जी मास यहाँ आ जाएगा ठीक है और सी से डी चलेगा डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा सी से डी प्लस एक्स अरे बोलो सी डी वाले रास्ते का कितना दिया है वन मीटर दिया मतलब वन प्लस एक्स अंदर की तरफ डिस्प्लेसमेंट करेगा इस बार ठीक है तो हमें क्या निकालना है हमें निकालना है यहाँ पे वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स सी से डी बोलो सी डी वाले रीजन में अच्छा ये क्या होगा बोलिए ये कहेंगे हम लोग एफ एस कॉस थीटा कॉस थीटा इस बार भी एंगल कितना होगा वन एट्टी डिस्प्लेसमेंट आगे करेगा फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगेगी वन एट्टी डिग्री होगा ठीक है बोलिए और कॉस वन एट्टी की वैल्यू होती है वन होती है माइनस में ठीक है अब फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है माइनस यू मू एन कितना होता है म्यू एन भाई फ्रिक्शनल फोर्स कितना देगा म्यू एन तो रख दो समझ गए ये माइनस जो था ये यह यहाँ आ गया फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू इंटू एन एस एस क्या होगा बताइए जल्दी से एस क्या होगा देखिए म्यू की वैल्यू रखिए पहले म्यू दिया है जीरो पॉइंट फोर दिया है रख दीजिए बोलिए जीरो पॉइंट फोर इंटू एन एन क्या लग रहा होगा भाई इस टू के जी के मास पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा एन और यही किसके बराबर होगा एम जी के अब देखिए इस बार वर्टिकली दोनों बैलेंस हैं इस बार थोड़ी ना कंपोनेंट लोग हैं ठीक है तो यहाँ से कहोगे एम जी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसके बराबर है एम जी के बराबर मतलब भाई मास है टू इंटू जी कर दो ट्वेंटी हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ठीक है तो यहाँ से ट्वेंटी हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिसप्लेसमेंट भाई ये मास यहाँ से सी से डी जब चलेगा पहले तो एक मीटर चलेगा देखिए नेचुरल लेंथ तक फिर नेचुरल लेंथ से इसको दबाएगा भी तो कितना एक्स तो वन प्लस एक्स कितना चला डिस्प्लेसमेंट वन प्लस एक्स चला बेटा कोई दिक्कत नहीं ठीक है अब इसको सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व कर लेंगे कितना देगा बोलिए ये पॉइंट से जीरो चला जाएगा कितना देगा माइनस एट वन प्लस एक्स ठीक है अब ये आ गया वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स सी डी वाले रास्ते में रख दीजिए माइनस एट सी डी वाले का वर्क डन रख दीजिए कितना है माइनस एट ब्रैकेट में वन प्लस एक्स कोई दिक्कत नहीं टू अब देखिए फाइनल कानीटिक एनर्जी सीधी सी बात है भाई जब ये मास सुर से इसको दबाएगा उस समय रुक जाएगा जितना जाना होगा अंदर चला गया उसके बाद फाइनल वेलोसिटी जीरो तो फाइनल कानीटिक एनर्जी भी जीरो के एफ जीरो इनिशियल कानीटिक एनर्जी जीरो ही होगी मास जीरो से चला था भाई स्पीड कोई थी ही नहीं इसके पास फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी अब ध्यान से देखिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या खेल था हमें रेफरेंस पॉइंट अगर मान लूँ मैं यहाँ पर यह आपका रेफरेंस पॉइंट है और इस रेफरेंस पॉइंट पर आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान ली इस रेफरेंस लाइन से यहाँ पे जो मास है इनिशियल अच्छा आपको पहले फाइनल पोटेंशियल जी निकालना ना हाँ फाइनल पोटेंशियल जी ध्यान से देखिए भाई ये मास सुर से नीचे आ जाएगा नीचे आ गया तो कोई हाइट नहीं है हाइट जीरो है तो भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी जीरो ही होगी यहाँ पे देखिए आपने मान लिया ना अरे भाई फाइनल मास फाइनल पोटेंशियल जी क्या होगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है भाई पोटेंशियल एनर्जी दो तरीके की होती है एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी और एक स्प्रिंग पोटेंशियल जी अब ये मास सुर से नीचे आएगा नीचे आ गया सीडी वाले रीजन में देखिए कैसे कहाँ पे है फाइनली इस रीजन पे है जहाँ पे आपने पोटेंशियल जी जीरो मानी है इसकी बोलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी तो कहोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी ऑफ मास जीरो की फाइनली ठीक है अच्छा फिर देखिए फाइनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी स्प्रिंग की सुर से ये मास क्या करेगा दबाएगा इसको एक्स दबाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होगी किसमें स्प्रिंग में कितनी हाफ के एक्स स्क्वायर बोलिए हाफ के एक्स स्क्वायर ठीक है ये हो गई स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी फाइनल वाला केस ख़त्म माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ठीक है इनिशियली देखिए ये मास टू के का कितना ऊपर था कितना ऊपर था जहाँ से आपने बेस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानी उससे कितना ऊपर था थ्री मीटर फार्मूला क्या होता है एम जी एच बोलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है एम जी एच ठीक है ये एच हाइट ऊपर है कितना तीन मीटर तो क्या कहोगे पोटेंशियल जी कितनी ऊपर की तरफ एम जी एच बोलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी ठीक है समझ गया कि नहीं समझ गया फिर इसके बाद इनिशियल स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भाई इनिशियली जब ये मास यहाँ था ये दबा ही नहीं होगा ये एक्स दबा ही नहीं होगा इसकी पोटेंशियल जी जीरो होगी स्प्रिंग की खत्म बात कोई दिक्कत इसमें नहीं बेटा हाँ या ना बोलिए जल्दी से कोई दिक्कत नहीं समझ गया कि नहीं समझ गया ठीक अब यहाँ से कहोगे कि स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो कह सकते हो लिख लो चाहे इनिशियल पोटेंशियल जी स्प्रिंग की जीरो होगी क्या दिक्कत है लिखने की आ हाँ अब क्या करोगे जल्दी बताओ यहाँ पे सॉल्यूशन करो जल्दी से ये हो जाएगा माइनस सिक्सटीन ये हो जाएगा माइनस एट माइनस एट एक्स हो जाएगा ठीक है इजिक्वल टू तो जीरो जीरो सब कुछ मतलब ही नहीं हाफ के एक्स स्क्वायर बोलिए हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं हाँ के एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस एम जी एच पहले लिख ले लेते ले ले हैं फॉर्मूला ये सब जो बना इक्वेशन अब बस वैल्यू पुट करते जाओ क्या दिक्कत है ये लिख लो बोलिए ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस ट्वेंटी फोर बोलिए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका माइनस ट्वेंटी फोर हाँ माइनस ट्वेंटी फोर हो जाएगा ठीक ये कितना हो जाएगा माइनस एट एक्स हो जाएगा ठीक इज टू हाफ के के कितना दिया है के दिया है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कितना दिया है टेन रख दीजिए बेटा यहाँ पे इंटू टेन इंटू एक्स स्क्वायर ठीक है माइनस एम जी एच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी भाई मास कितना दिया है टू के जी रख दीजिए ठीक है इंटू जी जी कितना होगा टेन होगा एच कितना होगा हाइट देखिए जहां से पोटेंशियल जी आपने जीरो माना था तो उससे कितनी हाइट ऊपर है तीन मीटर दिया था क्वेश्चन में ये दिया था ठीक अच्छा ये तीन मीटर ऊपर था खत्म बात कोई दिक्कत नहीं अब क्या करोगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी हो गया अब यहाँ पे भाई क्वालिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बोलिए यो जाएगा फाइव बोलिए योजा यहाँ से फाइव एक्स स्क्वायर बोलो यहाँ से माइनस कितना हो जाएगा सिक्स हो गया माइनस सिक्सटी बोलिए माइनस सिक्सटी माइनस सिक्सटी हो गया माइनस एट एक्स हो गया इधर आपका माइनस ट्वेंटी फोर है ठीक है अब क्या करोगे इन दोनों को उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बन जाएगी फाइव एक्स स्क्वायर इसको इसको उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा प्लस एट एक्स इसको उधर भेजोगे तो प्लस हो जाएगा बोलिए कितना देगा सिक्सटी में से ट्वेंटी फोर माइनस कर लो कितना आएगा फोर्टी सिक्स थर्टी सिक्स हाँ थर्टी सिक्स आएगा ना ठीक है थर्टी सिक्स वो भी माइनस का इजल्स टू जीरो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है अब भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले क्वेश्चन की तरह मैं सॉल्व नहीं करूँगा इस बार बहुत वीडियो लेंदी हो जाती है अब भैया यहाँ पे सी धरा चार लगा लेना सी धरा फार्मूला लगा लेना कोई दिक्कत नहीं है कुछ कैलकुलेशन आ रो भैया माफ़ कर देना हो जाती है कॉन्सेप्ट पकड़िए क्या करना है बस समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो क्लियर कोई दिक्कत नहीं मिटा दें चलिए इसको सॉल्व कर लोगे कि यहाँ से एक्स आ जाएगा इसका मतलब उतना ही ये कितना हुआ होगा कंप्रेस हुआ होगा ठीक बेटा कोई दिक्कत नहीं मिटा दें चलिए